नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उज्जैन के समीप वड़नगर के कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर शुक्रवार देर शाम इंदौर की महिला थाने में युवती ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार युवती कुछ दिनों पहले डीआईजी मनीष कपूरिया के पास शिकायत दर्ज कराने गई थी, जिसके बाद महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने पीड़िता के बयान के आधार पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़िता ने बताया कि कुछ महीनों पहले करण भवरकुआ थाना क्षेत्र किसी होटल में लेकर गया था, जिसके बाद युवती के साथ उसने कई बार दुष्कर्म किया है, जिसके बाद लगातार शादी का झांसा देता रहा और युवती पुलिस से शिकायत न करे इसके लिए कई बार जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। वहीं थाना प्रभारी ज्योति शर्मा के मुताबिक पीड़िता कैट रोड पर कुछ वर्षों पहले करण से संपर्क में आई थी, युवती को शादी का झांसा भी दिया गया। टीआई के मुताबिक पीड़िता के आरोपी से कैट रोड पर मुलाकात हुई थी और पिछले साल दिसंबर के करण के संपर्क में आई थी, जिसके बाद आरोपी करण ने पीड़ित युवती को शादी का झांसा देता रहा। वहीं कल शाम को महिला थाने में कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कल थाने पर एक पीड़िता आई जो इंदौर की रहने वाली है और उसका कहना था करण मोरवाल जो उज्जैन के रहने वाले हैं उन्होंने दोस्ती की शादी का झांसा दिया और उनके साथ शारीरिक शोषण किया और शादी से अब बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया है। तो उनकी रिपोर्ट पर हम लोगों ने 376 IPC में FIR दर्ज किया। महिला का कहना था कि कहीं भवरकुआ थाना क्षेत्र का मामला था खासतौर। हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि महिला थाने में आई है तो अपन शहर के अंदर जो भी स्थान है वहाँ के अपन FIR कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो भवरकुआ भी करा सकती थी और अपने यहाँ भी करा सकती थी। आरोपी जो है उसका क्या नाम है? आरोपी करण मोरवाल है, उज्जैन के। कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी हैं ऐसा सुना है और उनके फादर जो हैं वो अभी एक्टिंग MLA हैं। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।